विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी बोलने पहुंचे। पीएम मोदी का भाषण खत्म होने से पहले ही विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे और बड़ी अपेक्षा से रुके हुए थे। हम चाहते थे कि वो अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर के बारे में बोले। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो उस पर बोले, लेकिन 1.5 घंटे में अपने भाषण के 90% हिस्से में वो इंडिया पर बोले। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने कहा कि वो वहाँ जो कुछ हुआ वो पीड़ादायक है, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने सभी से अपील की है कि मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। पीएम मोदी ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाल होगी। मैं मणिपुर की महिलाओं और बेटियों सहित मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश आपके साथ है।